जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं, जिन्होंने प्रदेश में विकास की नई सीमाएं लिखी हैं, नए आयाम स्थापित किए हैं, उन सबको तकरीबन 1,36,000 के करीब ये सरकारी कर्मचारी हैं, जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ आज से मिलना शुरू हो गया है। इसकी नोटिफिकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट आज या कल में कर देगा और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे 1,36,000 कर्मचारी, चाहे वो बोर्ड्स के है, चाहे वो निगमों के है या कॉरपोरेशंस के है, जो भी पेंशन के तहत आते होंगे, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया गया है। ये कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी योजना थी, जिसमें श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सोलन में उस समय सरकारी कर्मचारी जो शिक्षक वर्ग के कर्मचारी थे, डीसी ऑफिस के पास बैठे थे, मैं और मुख्यमंत्री महोदय मुकेश अग्निहोत्री जी उनके साथ गए। वहां हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी कहा था कि पहली कैबिनेट जब होगी हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। तो सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को लोहड़ी का ये तोहफा हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से उन्हें दिया गया है। 1,36,000 जो कर्मचारी है आज लोहड़ी खूब धूमधाम से मनाएंगे। दूसरी, हमने कहा था अपनी गारंटी योजना में कि हम सुधार के साथ आगे बढ़ेंगे और हमने फैसला किया था कि हिमाचल प्रदेश में आधी से अधिक महिलाएं हमारी जनसंख्या में है। अब उनको हमने वादा किया था कि 1500 रुपया हम मासिक पेंशन उनको देंगे। अब 1500 रुपये मासिक पेंशन के लिए हमने वादा किया, आज पहली कैबिनेट में यह भी फैसला ले लिया गया कि 1500 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी और एक सब कमेटी धनीराम शांडिल जी के नेतृत्व में, जगत सिंह नेगी जी और अनुरू सिंह जी के नेतृत्व में बनाई गई है, जो 30 दिन के भीतर चंद्र कुमार जी के नेतृत्व में बनाई गई है। शांडिल जी, चंद्र कुमार जी और अनुरू सिंह जी, जो 30 दिन के भीतर हमें किस प्रकार इस पेंशन योजना को लागू करना है वो लागू कर दी जाएगी। और हमने वादा किया था कि हम 1,00,000 रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। हमने आज ये फैसला किया कि हिमाचल में युवा दर बदर भटकता है, क्या कौन से ऐसे रोजगार के साधन पैदा किए जाएं सरकारी क्षेत्र में, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम वैसा रोजगार नहीं देना चाहते कि जहां पेपर पहले लीक हो जाता है, पेपर बिक जाता है और लोगों को रोजगार दे दिया जाता। हम ऐसा रोजगार देना चाहते हैं जहां पारदर्शी रोजगार नीति आए, इस दृष्टिकोण से भी हम कार्य कर रहे हैं।